कोवैक्सीन के बाद देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल तेजी से किया जा रहा है। इसे भारतीय फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने तैयार किया है। वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का ट्रायल पूरा हो गया है। कंपनी का दावा है कि अब तक हुए ट्रायल के दौरान वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। इसका सेकंड फेज का ह्यूमन ट्रायल गुरुवार यानी 6 अगस्त से शुरू हो गया है। कंपनी के चेयरमैन पंकज आर पटेल के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल जिन वॉलंटियर्स पर हुआ है उन पर 7 दिन तक लगातार नजर रखने के बाद वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। पटेल के मुताबिक बेहतर नतीजे आने के बाद अब सेकंड फेज का ट्रायल ज्यादा लोगों पर किया जाएगा। इस दौरान इसकी रोग से बचाने की क्षमता और इम्यूनिटी रिस्पांस को परखा जाएगा। कैडिला को पिछले महीने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिली थी। भारत बायोटेक के बाद ये दूसरी कंपनी है जिसे अगले चरण के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।